नमस्कार मित्रों, रहस्य का खुलासा हो गया है. द सीक्रेट हैज बीन रिवील्ड. इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब अस नाउ. वी क्रिएट इंस्पायरिंग कंटेंट दैट इज क्रिएटिंग हेवन ऑन प्लैनेट अर्थ. सो काइंडली सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब अस नाउ. थैंक यू. ये सीक्रेट और कुछ नहीं बल्कि ब्रह्मांड का और इस संसार का सबसे पुराना लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का कायदा है. आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जानकारी जानने के साथ साथ इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे. जो एप्लीकेशंस मैंने मेरे पर्सनल लाइफ में अप्लाई की है वो मैं आपको आज बताऊंगा, और आप ये सब आपके लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको हर वो चीज़ जो चाहिए वो आपके लाइफ में हासिल कर सकते हैं. तो कृपया एंड तक इस वीडियो को देखें. धन्यवाद. तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर द सीक्रेट क्या है, इस बात से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये समझाने के लिए हमने अपनी एक शॉर्ट फिल्म रेजरेक्शन बनाई है. वो रेजरेक्शन शॉर्ट फिल्म हमने हमारे यूट्यूब चैनल काउंटडाउन क्रू पे अपलोड की है. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये जानने के लिए कृपया वो लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देखें. इसकी अधिक जानकारी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं. तो ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है इस पे टाइम वेस्ट नहीं करके सीधा हम लोग पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अपने लाइफ में यूज़ किया है उसकी बातें करते हैं. हमारे आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक फॉर्मूले की बात करेंगे. अगर मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जाम्पल दूँ तो मेरा जन्म बॉम्बे के स्लम्स में हुआ. एशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम्स में मैं पला बढ़ा और लाइफ के इनिशियल कुछ साल मैंने स्लम्स में ही बिताए. और सोचो, मैं ग्रेजुएशन के बाद कनाडा जा सका अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए. मतलब सोचो कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना पावरफुल है कि एक स्लम्स में पला बड़ा लड़का भी अगर कनाडा जैसे देश में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा सकता है. तो सोचो कि अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप आपके भी लाइफ में यूज़ करो तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगर बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स में से तीन लेटर्स याद रखने पड़ेंगे, आई, ए और एम. आई प्लस ए इक्वल्स टू एम, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक फॉर्मूला. तो चलिए देखते हैं कि ये आई, ए और एम क्या है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो बेसिक फॉर्मूले में जो आई है वो है इंटेंशन, जो ए है वो है एक्शन, और जो एम है वो है मैनिफेस्टेशन. इसका मतलब जो आपके इंटेंशंस होते हैं उसमें जो आपके एक्शंस मिलते हैं उसी से आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशंस होते हैं. मैनिफेस्टेशंस मतलब आपका जो थॉट है वो थॉट से जो रियलिटी में जब वो प्रोसेस पूरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग मैनिफेस्टेशन. तो हर वो चीज़ जो आपके लाइफ में हो रही है वो एक थॉट से चालू हो जाती है, और उसमें जब आपके इंटेंशंस और एक्शंस मिल जाते हैं तो वो आपके लाइफ में एक मैनिफेस्टेशन होता है. यही इंटेंशंस और एक्शंस अगर पॉजिटिव हुए तो हम हमारे लाइफ में पॉजिटिव आउटकम्स और एक्सपीरियंसेस मैनिफेस्ट करते हैं. अगर यही इंटेंशंस और एक्शंस अगर नेगेटिव हुए तो हमारे लाइफ में हम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और आउटकम्स एक्सपीरियंस करते हैं. अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक फॉर्मूले के जो लेटर्स है उसे हम कंबाइन करें तो एक बहुत ही पावरफुल मंत्र बनता है, आई एम. इसका अर्थ मैं हूँ होता है. इन दो शब्द के पीछे आई एम, उसके पीछे अब कुछ भी लगाओ वो आपकी रियलिटी बन जाती है. अगर आप बोलो कि आई एम पावरफुल, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो आपकी रियलिटी आपको पावरफुल या फिर शक्तिशाली बनाती है. अगर आप इसके पीछे सैड या फिर नेगेटिव शब्द लगाओ जैसे आई एम सैड या फिर मैं दुखी हूँ, तो आपकी रियलिटी आपको दुखी बनाती है. तो ये बहुत ही पावरफुल मंत्र भी बनता है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि वो क्या है. इसी मंत्र और इन्हीं दो शब्द के पीछे हम जो कुछ भी लगाते हैं वो हमारी रियलिटी हो जाती है.
जब भी आप सैड होते हो तभी आपने वो आई एम के पीछे वो सैड का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा बार अपने लाइफ में और आपके दिमाग में वो यूज़ किया होता है, इसीलिए आपकी रियलिटी सैड में कन्वर्ट हो जाती है। जब भी आप खुश होते हो तभी वही मंत्र आपने ऑलरेडी आपके लाइफ में और आपके माइंड में बहुत ज़्यादा बार रिपीटेटिवली वो यूज़ किया होता है, इसीलिए आपका आउटकम और मैनिफेस्टेशन जो होता है वो हैप्पी का होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए और हमारे लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए हमने ये ब्लिस मास्क विद डिवाइन प्रोटेक्शन लॉन्च किया है। इस मास्क की खास बात यह है कि इसको देखने वाला और पहनने वाला इसके ऊपर बहुत सारे पावरफुल पॉजिटिव अट्रैक्शन के जो वर्ड्स है वो लिखे गए हैं। जो देखेगा और पहनेगा वो हमेशा अपने लाइफ में और अपने माइंड में ये वर्ड्स रिपीटेटिवली इमेजिनेशन कर पाएगा और ये पहनने वाला और देखने वाला अपने लाइफ में पॉजिटिव आउटकम्स ला पाएगा। तो ये मास्क के जो फ्री सैंपल्स है ये हम लोग हमारे इनिशियल सब्सक्राइबर्स को दे रहे हैं ताकि आप भी आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव आउटकम्स लाने के लिए एक्सपीरियंस करने के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ ये मास्क के थ्रू कर पाए। तो जल्दी से हमारे चैनल असनाओ को सब्सक्राइब करें और ये मास्क ले। थैंक यू। इनके एकदम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो पॉजिटिव वाइब्स है ना वो आपके लाइफ में और आपके माइंड में ऑलरेडी आ जाते हैं क्योंकि ये वर्ड्स में इतना पावर होता है और मास्क इतना अच्छे से बना है डिवाइन प्रोटेक्शन। सो तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से जानकारी मिले तो कृपया लाइक करें और आने वाले टाइम में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और डीपली जानेंगे और इसके नए नए ट्रिक्स और टिप्स आपको बताते जाएंगे जो हमने हमारे पर्सनल लाइफ में अप्लाई किए हैं। तो इस वीडियोस का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल अस नाउ को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें ताकि वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लाभ उठा सके। तो धन्यवाद।